वो तो उसका रेट है, बिल देंगे, डिब्बा देंगे, डिब्बा देंगे, बिल देंगे, सब कुछ देंगे। गाइस कैसे आज के व्लॉग में आपका वेलकम। भाई आज संडे है और आज हम जा रहे हैं दिल्ली के चोर बाजार, ठीक है। तो आज मैं नहीं है, मेरे साथ भाई हमारी गाड़ी जा रही है वैगनर, ठीक है, साथ में रजनी, साथ में अमित वो चूतिया, और भाई चलते हैं। तो गाइस आज के इस व्लॉग में भाई काफी मजा आने वाला है क्योंकि आज है संडे और आज हम जा रहे हैं दिल्ली के चोर बाजार। इसकी मैंने आपको पहले बता दिया है क्योंकि यूँ तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे मतलब कि दिवाली पास आती जा रही है भाई, जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी आप दिवाली का जो भी आपको शॉपिंग वगैरह करनी है कर लो, क्योंकि क्या होता है जैसे भी कोई फेस्टिवल जितना नज़दीक आता जाता है ना भाई सब उसी हिसाब से भाई चीज़ों के और सामान के भाई जो कि दाम बढ़ते रहते हैं। तो चलते हैं और आज मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या दिल्ली के चोर बाजार में हमको देखने के लिए मिलता है। अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग ना देखा हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, भाई जाके देखिए मज़ा आ जाएगा। बाकी तो आप चल ही रहे हैं, ठीक है। तो गाइज भाई पहुंच चुके हैं दिल्ली के चोर बाजार और इस समय बज रहे हैं क्या, इस समय टाइम हो रहा है भाई 5:55, जो कि इस समय ये इतना ज्यादा क्राउड ना, इतना ज्यादा ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के चोर बाजार की वजह से है, ठीक है। जो कि भाई रोडों पे मतलब कि सुबह सुबह खूब पब्लिक आती है भाई दिल्ली के चोर बाजार से सामान लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ता भाई आपकी उम्मीद से भी सस्ता यहाँ पे सामान मिलता है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर पहन तक जरूर देखना, ठीक है। भैया गाइस देख लो, ये जो सामने भीड़ लग रही है ना भाई, ये कुछ ना कुछ तगड़े यहाँ पर सिस्टम मिल रहा होगा, जो कि टी शर्टें वगैरह भाई मिल रही है, जो कि जिस चीज़ के ऊपर भीड़ लगी पड़ी है पब्लिक टूट पड़ी है भाई दबा के। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो समझ लो कि अभी 1% की स्टार्टिंग है, समझ रहे हो। असली मजा तो आपको अंदर आएगा, पीछे भाई कौन गाने चला रहा भाई, कॉपरेट वगैरह सब टी शर्ट वगैरह भाई यहीं से मिल रही है भाई साहब। पूरा मतलब कि जो गाइस जो मेन रोड है ना सामने दिखाओ एक बार अमित, पूरा मेन रोड ही घेर रखा, देख रहे भीड़ इतनी ज्यादा है यार, जो कि मेन रोड के ऊपर भी मतलब कि आधे मेन रोड के ऊपर ही बाजार लगा, मतलब कि बाजार लगा रखा है इन लोगों ने। ये देखो भाई इतना ज्यादा क्राउड यार, वैसे काफी टाइम बाद मैं अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ। तो फाइनली भाई पहुंच गए दिल्ली के चोर बाजार। भाई इस समय मैं हूँ पार्किंग पे, रजनीश कह रहा फोन वोन का तो भाई डर जरूर है, तो भाई अगर आप भी आ रहे हैं तो अपने फोन का ख्याल जरूर रखें, ठीक है। और भाई यहाँ पे आते हैं जो कि भाई 2500 रुपये का भाई सारा सामान ले, 2500 रुपये का 2500 का चालू चेक करके मेरे भाई बंदे के लिए सारा सामान ले, पूरा सामान। अरे वैक्यूम क्लीनर है भाई, ये तो 2500 रुपये का जो वैक्यूम क्लीनर था ना, अगर आप लेने आओगे ना 1000 रुपये में भी दे देंगे भाई आपको, ठीक है। कितने कितने की दे रहे हैं भाई जैकेट? 600 रुपये की जैकेट है भाई, चलो आगे 600 रुपये तो भाई होम थिएटर देखो कौन सी कंपनी का है, फिलिप्स का। कितने का है? फिलिप्स का है। कितने का अंकल? 1500 रुपये का। सोनी का है? सोनी का नहीं है, फिलिप्स कंपनी का होम थिएटर है। चालू है, बजा के दिखाओगे? अभी तो लाइट ही नहीं है तो बजा कहाँ से लेंगे भैया। अरे कैमरा चालू है? कितने कितने के? एक
भाई शॉप सब चैकेट दे दो इसका लाइन पूरी ये रहा 3000 वाला माल ले गया इंपोर्टेड है बेटा इंडियन नहीं कोई इंडियन नहीं होता क्या क्या देंगे ये माल ऐसा हमारा 1000 रुपये की है 1000 रुपये की 3000 किसी के पास नहीं अच्छा सब पुराना माल शुरू से एंड तक नया माल ब्लेजर 500 रुपये के तीन है बेटा जो कि 1500 का ब्लेजर भी है उसमें 800 वाला भी है चाइना का है 500 रुपये के तीन ब्लेजर 500 रुपये के तीन ब्लेजर देखो भाई सबसे पहले ठीक है जो कि भाई ये गैलवर कंपनी का भी है यार मैं तो दूसरे के बाद हमको ये सब कितने कितने का ये है 100 रुपये 50 अच्छा 50 का ही छोटा वाला है थोड़ा बहुत गंदा होता मोरे में हार्दिक 100 रुपये का शैम्पू वगैरह भी है साबुन वगैरह भी है एवरीथिंग कितने में दे रहे भाई से 8000 पंखे वंखे सब डला हुआ भाई से हाँ सिमट है भाई रिमोट लेना पड़ेगा कैमरा देखना अंकल जी कैमरा दिखाने वाला हाँ ये भाई रजनीश कैमरा तो सही लग रहा है उनका कैमरा चालू है कितने का है कितने में दोगे अंकल जी कितने में दोगे इसे तुम बताओ कितने का है 1000 रुपये बोलूँ वो तो बात सही है चलो चलो ठीक है बिल्कुल साफ है इसे कब पकड़ा दो लेने वाला एक ही होता है हाँ हाँ अंकल जी बस 500 रुपये का कैमरा पता रजनीश बोले वो चालू तो है नहीं वैसे है ना अच्छा चालू तो बता नहीं रहा अगर अगर ये चालू होता तो मैं ले भी लूँ बताओ आज चालू होगा का ऐसे थोड़े सब्ज का ऐसे मिलेगा तो कुछ वाला एक सेट का अब आप बताए अगर चालू नहीं होगा अगर जी इतना साफ भी सब तुम बोल रहे अंकल अगर साफ होगा तो भैया जो है फोन वन चाहिए तो बता कैमरा नहीं मिल रहा था फोन वन मिल रहा कितने का चालू हो तो कितने का कितने में दोगे से कार में 300 रुपये बताए छोड़ दे चालू नहीं है अंकल ये और कैमरे का लगा दे रहा भाई लैपटॉप वगैरह फोन तो भाई आपको दिखा दिया मैं तो दिया जी सब चीज मैंने आपको बताओ कि बंद है भाई YouTube पे बताया कितने कितने की भाई है हमारे पास तो वीडियो भी आते हैं यार साइड भाई कितने की वीडियो यही आता है ये बोट का स्पीकर भी दे रहे क्या कहीं कहीं नहीं मिलेगा कम कर दूंगा रेट लगा दूंगा आपको रेट नहीं मेरे पास तो ओरिजिनल है मैं यार तुम समझे नहीं हम तो वैसे चंडीगढ़ से इसीलिए आए हैं
YouTube देख कर रहे हैं चंडीगढ़ से भाई बताओ क्या देख के आए थे भाई मतलब क्या मिल जाएगा YouTube पे देखा है अरे 500 का नहीं तो यहाँ पे कॉपी में भाई ओरिजिनल मिलते हैं यार ये तो कितने में दे रहे हो चेक कर लिया ये कितने में दे रहे हो और वहाँ सामने लास्ट रेट बता दिया भाई क्या कितना कितने कितने की जैकेट दे रहे हो भाई अलग अलग है भाई इसके कितने हैं भैया बताओ ना 1000 रुपये का जो उसमें गाड़ी खरीदी है कौन जा रहा है इसके कितने लोगों ये कितने पड़ेगी नीचे भैया जूते देख लो भाई बताओ आंटी कितने का आंटी कितने का जूता है आंटी ये ऑनलाइन मंगा लेंगे कितने का देर लैपटॉप भैया चालू है देखा ना रैमजन कैश कुछ पता है हमारा नंबर देख लेता ये स्टेडियो चालू भाई कितने कितने गए भाई साहब स्पीकर अच्छा बिक गया चलो बढ़ गए क्या स्टेडियो 2000 रुपए का दे रहा है अगर आपको चाहिए ना 1500 में आराम से मिल जाएगा दोस्तों ठीक है ऐसे बार्गेनिंग आपको मतलब कि ऐसे बार्गेनिंग करनी होगी यहाँ पे आके उसके बाद क्या बोलते भैया ने
क्या बोलते हैं फूलदानी है। अच्छा फूलदानी जिसमें फूल रखते हैं ना गुलदस्ता। दे उससे लिया था रंजन साथ दिखाओ। कितने का पड़ेगा ये? 1500 का। भाजी तो बना भाजी क्या करना हल्के आजकल अच्छे रहते हैं रुकेगा भी नहीं खाना गिरेगा। क्या हुआ चालू नहीं लगता चार्जर सेल डलवाने ना मतलब सेल सेल डलवाने हैं 100 रुपए की सोना टेक ओरिजिनल घड़ी है। गोप्रो चालू है? हाँ गोप्रो चालू है 5000 रुपए का आएगा। गोप्रो? हाँ हाँ गोप्रो गोप्रो थोड़ी ना भाई वो अरे वो एक्शन कैमरा है 1000 रुपए का तो नया मिलता है ऑनलाइन। चलो भाई अभी ये तो लिए ना लास्ट संडे पे ये वाली घड़ी लिए तेने देखी है जो वो वाली वो तो बड़का ना 1000 रुपये आ गई है वो वाली पूछू कितने की वो वाली पूछू डब्बी वाली ये रखी मैं तुम बताओ अपने 2000 इसका कितने की है ये 2000 ये बताओ और जो भाई के हाथ में पीछे वो कितने की भाई पूछ लो। चलो गाइस अब मैं आपको कुछ आके दिखाता हूँ जो कि सबको आपको पहने करने के लिए भी मिल जाती है यहाँ पे चीज़ें जो कि घर का सारा सामान मिल जाता है। टंकी वगैरह जो होती है टंकी ले लें यार एक लोग ये टंकी और 500 टंकी कितने कितने की भाई ये 40 रुपए की रजनीश कैमरा देख ले कितने का दे रहे भाई कौन सी कंपनी का भाई कैमरा चालू हाँ चालू भाई चालू है कितने में दे दोगे वैसे 1500 रुपये का DSLR कैमरा है। कोई चालू है कैमरा वैसे आपके पास पकड़ना सेल डालना उसमें वो चालू है चार्ज करना है बस फिर डाउनलोड और क्या आ गए 1200
गाइस 1500 रुपए का निकॉन का कैमरा मिल रहा था भाई, बट चालू नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा लेने का, है ना। कितने कितने के भाई ने तो भाई सब डब्बे डब्बे भर रखे है ये। चार सौ तो भाई ने बताए इसके, समझा। अच्छा भाई साहब 33 रुपए के अंदर रुपए मिल रही है, ठीक है। चार सौ रुपए का दे रहे दोस्त, कितने की है? छः सौ रुपये की वॉच है। बता रहा हूँ एक सेकंड, सेकंड देखिए भाई। चालू है भाई, क्लैरिटी नहीं आ रही जो होनी चाहिए ना। इससे अच्छे तो गाइस मेरे इस फोन की क्लैरिटी ज्यादा अच्छी है। देखो सेटिंग वेटिंग सेट हो जाए तो फिर तो वैसे लेंस गंदा हो रहा है ना इसका, अंदर से लेंस गंदा हो रहा है इसका। चलो भाई कितना पूछो, कितने का दे रहा है? 1000 रुपये मिलेगा। 3500 रुपये भाई कितने में दे रहे? 1000 लोगे? चलो भैया क्राउड देखो यार, महाराज नहीं से खड़ा और मैं और अमित ये खड़े, ठीक है। तो एक भाई उधर लैपटॉप ले रहा है, कहाँ ऐसे हो रही है इसकी मोदी की रैली में हो। सावधान सावधान सावधान, दिल्ली पुलिस की ओर से आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि भीड़ से सावधान है, अपने जेब मोबाइल पर्स और अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, किसी अनजान व्यक्ति पर आप विश्वास न करें और अपने आगे पीछे भीड़ कतरों से सावधान रहें। सावधान सावधान। तो गाइस ये था दिल्ली का चोर बाजार, ये देखो, ठीक है।
तो फाइनली भाई आपने सब कुछ देख लिया होगा, जो भी मोबाइल फ़ोन, जो भी घड़ी थी, जो भी कैमरा वगैरह था, ठीक है। तो आज के इस अमेजिंग ब्लॉग को भाई हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी ऐसे अमेजिंग ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पटाखों के ऊपर भी जल्दी वीडियो आने वाली, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा भाई, जय हिंद, जय भारत।